अस्सलाम वालेकुम असल गलकम डर हमीद आप लोग शुक्रिया से होंगे इफॉर्मेशन शेयर करेंगे नर्स नम्स के जो है ना नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के जो है एडमिशन ओपन हुए हैं नर्सिंग में वो कैसे अप्लाई करना है क्या एलिजिबल क्राइटेरिया कंप्लीट इनफॉर्मेशन शेयर करेंगे आप इसके तक आप देख सकते हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि नम्स के जो है ना एडमिशन ओपन हुए हैं सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग में ठीक है एम एस एन में उसमें जो आपका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या चाहिए सिक्सटीन ईयर एजुकेशन फोर ईयर ऑफ बी एस नर्सिंग और टू ईयर जो है ना पोस्ट नर्सिंग का जो है ना आपने जो डिग्री वगैरह वो आपके पास होनी चाहिए उसके बाद जो है ना मिनिमम वन ईयर जो है ना आपका एक्सपीरियंस हो होना चाहिए नर्सिंग में और जो वैलिड रजिस्ट्रेशन है वो विद द पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से उसके बाद जो है ना नर्म्स एडमिशन टेस्ट जो है ना वो आपने दिया हो फिफ़्टी परसेंट जो है ना मार्क्स आपके होने चाहिए ठीक है न उसके बाद जो ना आपका नम्स इंटरव्यू होगा फिर आपकी जो ना सिलेक्शन होगी इसमें जो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है वो सात नवंबर से स्टार्ट हो रही है मंडे को ये इसका पोर्टल जो ना ऑनलाइन हो जाएगा ठीक है यानी कि कल से उसके बाद इसमें जो है ना लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फी है एटीन नवंबर तक जो है ना इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है उसके बाद जो है ना जो डबल फी के साथ मतलब कि जो स्टूडेंट लेट फी सबमिट कराएंगे वो तेईस नवंबर तक करवा सकते हैं ठीक है उसके आ, जो वो उसकी फ़ी है वो फाइव थाउजेंड है उसके बाद जो ना ऑनलाइन नम्स एडमिशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा ट्वेंटी एट नवम्बर को इंटरव्यू होगा सिक्स दिसंबर को डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट एट दिसंबर को और जो क्लासेस लगेंगी वो ट्वेंटी वन दिसंबर को लगेंगी अप्लाई जो है आपने इनकी वेबसाइट से करना है कल जो है ना लिंक ओपन हो जाएगा वहाँ पर जाके आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है सिंपल सा प्रोसेस है अभी बैंक में जो ना आपने इनकी प्रोसेसिंग फ़ी सबमिट करवानी है सिलेबस और पैटर्न वगैरह आपको इनकी वेबसाइट से ईज़िली अवेलेबल है वहाँ से आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट नोट सिर्फ यही है कि जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टिड होंगे उनको इंटरव्यू की कॉल की जाएगी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉज़ हैं या सेमी गवर्नमेंट के स्टूडेंट है वो भी जो है ना इसमें अप्लाई कर सकती हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो ना तो रिफ़ंड होगी और ना ही ट्रांसफ़र होगी फोरीजन स्टूडेंट के पास एन होना चाहिए फ्राम एच से ऑल फोरीजन क्वालिफिकेशन मस्ट बी सपोर्ट बाई इक्विलेंस सर्टिफिकेट जो आई बी सी सी का सर्टिफिकेट हो वह होना चाहिए जो फाइनल डिसीजन होगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा एप्लीकेशन सेल बी सबमिट थ्रू ऑनलाइन नो हार्ड कापीज़ आर एक्सेप्टेबल ठीक है ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जो है ना सबमिट होगी हार्ड कापीज़ जो है सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ये बेसिकली एडमिशन ओपन हुए हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अपलाई कीजिएगा फर्दर इफॉर्मेशन के लिए आप इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिएगा कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो तो में तो तब में रखिएगा अल्लाह हाफिज़